अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति द्वारा मुंबई में भव्य महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में एक तरफ पत्रकारों, समाज सेवक, राजनीतिक जगत से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया, तो वहीं पत्रकार सुरक्षा बिल को लेकर भी मुहिम छेड़ने की बात कही गई। इस कार्यक्रम में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंग्रेस कलावाड़िया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलसाद खान, महादेव जानकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय एल दुबे, नारी सम्मान संगठन की अध्यक्षता डॉक्टर सुंदरी ठाकुर, आत्मनिर्भर भारत संस्था के अध्यक्ष राम कुमार पाल, हाजी अली और माहिम दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खडवानी, धड़क कामगार यूनियन नेता अभिजीत राणे, आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गनगनी सहित कई दिग्गज कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस महासम्मेलन में देश भर से पत्रकार एकत्रित हुए और देश में पत्रकार सुरक्षा बिल को उसको लेकर चर्चा हुई। मेरा पत्रकार सबके बारे में एक ही चीज बोलना है, आज जो पत्रकारों के लिए ये सब समस्या है उसके लिए हम लोग ये फाइट कर रहे हैं। जिग्नेश भाई हमारे इसके इतना बड़ा मुहिम चलाया, पूरे देश में हमारी संस्था की ब्रांचें हैं, सब जगह ऑफिस है, हर जगह है। मेरा बोलना एक ही है कि अगर पत्रकार एकजुट हो जाए तो किसी की हिम्मत ही नहीं कि हमारे नाथ में कोई लग सके। अगर पत्रकार एक हो गए, कोई सा पॉलिटिक्स, कोई भी सरकारी अधिकारी हो, कुछ भी, जो आज फर्जी केस बन रहे हैं, ये फर्जी केस क्यों बन रहे हैं कि आज हम कमज़ोर हैं, हम एक पहलू पे नहीं है, एकजुट पे नहीं है हम लोग। जिस दिन हम एका कर लेंगे कि हम पत्रकार हैं, तो पत्रकार के आगे कोई ताकत नहीं है जो पत्रकार के आगे चलाए। पत्रकार चाहे तो सरकार गिरा भी सकता है और उठा भी सकता है और बना भी सकता है। तो पत्रकारों को मेरा बोलने का यही है कि अब हमको एकजुट होना है, एक प्लेटफार्म चुनिए, आज हमारी सुरक्षा समिति जो है उसमें जुड़िए और उसका सहयोग कीजिए। आज ये 50 जगह पत्रकार शाखा खुली भी है, सिर्फ नाम के लिए काम करना किसी का नहीं है, बस खाली लेबल चल रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, तो ये फ़ोटो का कुछ नहीं होएगा। आप फ़ोटो खींच खींच के पत्रकारों को अंधकार में डाल रहे हो। एक समिति को अपना संगठन मजबूत बना लो और उसके लिए लड़ो और फिर देखो पत्रकार पे अगर कोई उंगली उठाता है तो पत्रकार को दोबारा ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि पत्रकारों पर फर्जी केस बनेंगे या पत्रकारों के खिलाफ कोई ऊँची। आज क्या होता है, एक नॉर्मल आदमी जाता है वहाँ पर, एक नॉर्मल एनसी करता है, कंप्लेंट करता है और उधर से घर से पत्रकार को उठा के लाते हैं। तो ये हमारी कमजोरी है, पत्रकार के गिरेवान पे हाथ डालना, किसी की ताकत नहीं है कि पत्रकार के गिरेवान पे कोई हाथ डाल दे, कोई सरकारी अधिकारी को। पत्रकार का मतलब है सरकारी अधिकारी को भी एक नोटिस जारी करना पड़ता है कि भाई आपको हमारे ऑफिस आना है, कार्यालय आना है, या आपसे कुछ पूछना है, या आपसे कुछ सलाह लेनी है, या कुछ मशवरा करना है, या कुछ जानकारी देनी है। और आज क्या हो गया है, एक फ़ोन आता है और घर से उठा के लेके जाते हैं। तो ये नौबत हमारी है, हमने लाई है और हमारी कमजोरी है, जब तक हम एक नहीं होंगे तो ये नौबत चालू रहेगी। तो आपसे मेरा बोलने का, संगठन से जुड़िए और हमारी ताकत नहीं, अपनी ताकत बढ़ाइए। हमारी ताकत मत समझिए कि ये हमारा प्लेटफार्म है, हमारी ताकत। उसके पहले जो पॉलिसी चलती थी, लटकाओ भटकाओ वाले सुन रहे थे, लेकिन सही समय दिया। और हमारे मेरे भाई राणे जी ने कहा, वित्त मित्र पत्रकार ने, कि वकालतनामा हमारे जानकार साहब ने सही किया है और ये इस राष्ट्रीय पत्रकार के साथी है और साथ रहेंगे। ये खातरी के साथ कहता हूँ आपको, जब भी कुछ हो तो अपनी आवाज़, आज भी वो MLC है विधान परिषद में, आपकी एक आवाज़ आपके साथ है, यही कहना चाहूँगा। वो आ गए हैं ना सोहेल भाई, आ रहे हैं, बैठा के आ रहे हैं, बोले नहीं आएंगे, मुश्किल है, ठीक है, हम बात करते हैं। ये मुद्दा अहम क्यों जाता है, मैं आपको एक आंकड़े के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। 2004 से 2019 के बीच में 67 पत्रकारों की हत्या हो गई, देश जो है 150वें पायदान में पहुंच गया। और मैं आपको बताऊं खतरनाक स्थिति क्यों है, क्योंकि 2014 से 2019 के बीच में 46 पत्रकारों की हत्या हो जाती है। तो इसलिए भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पत्रकारों को सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर पत्रकार सुरक्षित होंगे, संविधान बचेगा, देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। अगर पत्रकार नहीं रहेगा तो आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र की समाप्ति है। इसलिए जो हम जो है पत्रकार सुरक्षा पत्रकार यहाँ पर है, मैं सभी से एक अनुरोध करूँगा, जैसा हमारे देश में बोला जाता है कि पत्रकार जो है हमारे संविधान के चौथे स्तंभ हैं, तो आप सभी को संगठित होना है। और सरकार से हमारी एक ही गुजारिश है कि इन पत्रकारों के लिए एक सुरक्षा जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज ये अपने जान पे खेल के ऐसे बहुत सारी समस्याएं लोगों की, जो हमारे दबे कुचले लोग हैं उनकी समस्याओं को ये उठाते हैं और इसके बाद में उसका पनिशमेंट इनको भुगतना पड़ता है। तो ऐसे हमारे पत्रकारों की सुरक्षा जो है
वो सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो हमारी संस्था हमारी है जो ऑल ओवर इंडिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संगठन के माध्यम से मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये अपील करूँगा कि हमारे पत्रकारों की जो सुरक्षा है वो बहुत ज़रूरी है, इनकी जो डिमांड है वो इनको पूरी की जाए, क्योंकि ये हैं तो समाज में एक आईने का काम कर रहे हैं। अगर ये चले जाएंगे तो हमारा संविधान, हमारा देश, हमारी जो देश की जो बुराइयां हैं वो कुछ ऊपर नहीं आ पाएंगी। तो इनको जो है सुरक्षित क्या हुई मेरे साथ महाराष्ट्र के दमदार नेता श्री महादेव जानकर जी भी है, आरटीआई प्रसिद्ध आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली जी हैं। हम सभी लोग यहाँ पर पत्रकारों के हित में क्या अच्छा हो सकता है इस बारे में एक परिसंवाद था। कुछ एक 10 से 12 दिनों में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा जहाँ पर पत्रकारों के हित में पत्रकारों की जो मांगे हैं वो हम सरकार के सामने रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि महादेव जानकर जी के माध्यम से किया था जो पत्रकारों को लेकर जो उनकी विभिन्न समस्या है, जो उनको चुनौतियाँ हैं, और सबसे बड़ा जो बेरोजगारी का जो संकट है उस पर सभी वक्ताओं ने चर्चा की। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र सरकार का भी मैं अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने 2019 में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाया। और भी हाल ही में जो हमारे पत्रकार वारिसी की जो एक्सीडेंटल मौत बोले या हत्या की गई उसे लेकर भी जब पत्रकारों ने संघर्ष किया तो उनके परिवार को 25 लाख रुपये देने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। भले ही पत्रकार कानून महाराष्ट्र में लागू है उसमें कई सारी खामियाँ हैं, उसे और मजबूत करने की बात है। और महाराष्ट्र का जो पैटर्न है वो पूरे देश में किस तरह से लागू किया जाए उस पर भी चर्चा की गई है। और निश्चित तौर पर जो समिति है सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरे अलग अलग देश के राज्य में जाकर इस कानून को इम्प्लीमेंट। और मैं पत्रकारों के लिए यही कहना चाहूँगी, पत्रकार हो या हमारी मीडिया हो कोई भी हो, इनके लिए सबको साथ देना चाहिए। जो इतनी हत्याएँ हो रही हैं और इतना ज़्यादा हो रहा है कि लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो मतलब हमारे को पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है। सो मैं ये सबसे निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ सब साथ दीजिए, जनता का साथ चाहिए मीडिया को। और जो सच है, ये सच कहा जैसे अभी कि वहाँ पे कि हमें सच ज़रूर बाहर लाना चाहिए, कुछ पैसे लेके या कुछ ऐसे पत्रकार मिल जाते। रियल जो बात है वो आगे आनी चाहिए, हम भी बोलेंगे गलत बोलेंगे तो हमारे ऊपर भी अपने लगाना चाहिए, ये सोच के हम आगे चलेंगे तो इंडिया अच्छा बन जाएगा। यही शुभकामना देता हूँ। दिलशाद भाई ने मुझे